दोस्तों, तो अभी मैं जो दिखाने वाली हूँ कि ये टाइम देख लीजिए, टाइम हो चुका है 7:26, 7:26 टाइम हो चुका है। और इधर जो अभी मैं देख कर आई हूँ, किचन का दरवाज़ा लगाकर ये रेशम कुछ खा रही है शायद, या घिचिर पिचिर कर रही है। तो मैं अभी आपको सात छब्बीस में कौन खाता है जरा बताना, तो ये क्या खा रही है मैं अभी सात छब्बीस है, इसको भूख लग गया, ये गाजर का हलवा खा रही है, खुद ही बनाई है खुद ही। बता, अभी तुमको खाने का टाइम हुआ है, अभी खाने का टाइम हुआ है, तुम बच्ची हो, बच्चे भी अपने बरस कर रहे होंगे, लेकिन ये 7:26 में हलवा खा रही है। भूख लगी तो खा रही हो। अच्छा, क्या टाइम देख दी है? क्यों, रात में नहीं खाई थी? रात में वो बेकार वाली सब्जी नहीं खाई थी? रात में बेकार वाली सब्जी नहीं खाई थी। और कहाँ पर बैठ के खा रही है? किचन के सिलाफ, किचन के सिलाफ पर तो बैठ के खाता है। तुम्हें भी खाना है? नहीं, इससे पहले तुम खा रही थी, अब उससे पहले 6 बजे उठ के तुमने खाया और तुम मुझे बोल रही हो बाबा तुमने 6 बजे खाया था। नहीं तो छुट्टी कहीं थी। जरा दिखाना इन लोगों को, ये लोग भी देखेंगे ना तुम कैसे खा रही हो। और मेरे घर में और बाकी सब क्या कर रहे हैं दिखाती हूँ। तो ये लोग अभी तक सोए हुए हैं और मुझे जाना है, सब्जी में पानी पटाना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग गाइस, मेरा हलवा खाया हो गया है, अब देखते हैं भुक्कड़ किचन में क्या बना रही है। ज़रूर कुछ बेकार ही बना रही हो, क्योंकि वो कभी मेरे पसंद का कुछ बनाती ही नहीं है। क्या बन रहा है किचन में? दम कर दूँ? ये देखिए, मैंने बोला था, मुझे पता था कि ये ज़रूर कुछ बनाई। अब कद्दू का है क्या? कद्दू का है, कद्दू ये रहा। इतने बड़े बड़े कोई कद्दू काटते हैं क्या? हाँ, सब्जी बनाना है। अजीब हालत, कुकर में सब्जी बनाना है। और क्या, और क्या बना रही है? रोटी बन गया। रोटी, और थोड़ा सा सब्जी बना है परवल का, और पापा को लंच दे देती हूँ, और साग बनेगा, और क्या, और इधर फोन में मेरा चल रहा है। और मेरे लिए? तुम्हारे लिए भी वही है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं, आज फिर मुझे बेकार खाना खाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, झेल लेते हैं, आप लोग भी झेल लीजिए, मैं भी झेल ही रही हूँ इसे। मतलब इस बेकार खाने में इतना खर्चा। अभी मम्मी उठने दो, तब बताऊंगी कि इतना तेल दे रही है। बताओ, कद्दू कब डालेगा? कद्दू डालेगा ना, थोड़ा सा इसको फ्राई तो होने दो। जल रही है? नहीं जलेगा। ये जल रहा है? नहीं जल रहा है। जल रहा है? नहीं जल रहा है। नहीं जल रहा है? नहीं, जल्दी से इसको खेत कर देते हैं, उसके बाद चलेंगे खेत में पानी पटाने के लिए। क्यों? सब्जी सूख रहा है। कल तो पटाया था। कल पटाया था, उससे क्या, आज भी डेली करेंगे ना, तो कम पानी देना पड़ेगा। इसे ज्यादा दिन पे करेंगे, ज्यादा पानी देना पड़ेगा। डाल दो कद्दू। तुम भी खाना। एक मिनट, कहाँ गए थे? हाथ धोने हर्ष को साफ की थी, तो हाथ धोने लगे। लौकी अच्छा लगता है? इसमें फिर सारे मसाले देकर इसको सेट कर दूंगी। एक बात बताओ, मसाले पहले भूल जाते
अच्छा कोई बात नहीं, हो जाएगा। वैसे भी तो हल्दी धनिया मिर्ची ही पड़ेगा, जब सीटी लगेगा तो सारे मसाले पक जाएंगे। हाँ हाँ पक जाएंगे, वो भी बोरों के पक ही जाएंगे। किन्हें बैठाओगी पलकों पर? ठाकुर जी को। ठाकुर जी को? यह तो कोई ठाकुर नाम का कोई आदमी नहीं है। ठाकुर जी जो मेरे दिल में है। क्या है दिल में दिखाओ। वृंदावन से लेकर आऊंगी ना, तुमको पलके पर बिठाऊंगी। मतलब उन्हें लाने के लिए इतना दूर जाओगे? नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, हम घर बैठे भी बुला सकते हैं। बुलाओ, मेरे पास है। मुझे तुमको नहीं दिखेगा क्योंकि उसको देखने के लिए ना अच्छी से मतलब दृष्टि भी तो होनी चाहिए। तुम्हारे पास वो दृष्टि नहीं है जो तुम ठाकुर जी को देख सको। जिस दिन हो जाएगी उस दिन तुमको दिख जाएंगे। ओके गाइस, आप लोग भी अच्छी दृष्टि बना लीजिए, तब इसका वीडियो अच्छा दिखेगा। हाँ क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, ये बात कहीं ना कहीं सच है। जरा सा फेस दिखाना। हाथ में क्या है? चॉकलेट है। चॉकलेट? खुद कद्दू खा रही है अभी आप लोग के सामने। कितने सारे कद्दू? क्या गारंटी है कि कद्दू है ये? ये कद्दू ही है गाइस, गारंटी है क्या? हाँ ये कद्दू ही है। देखिए आप वीडियो के सामने अभी इतना बोले थे, खुद कद्दू खा रही है। खा रहे कद्दू? देखो मैं कच्चा कद्दू कभी नहीं खाती हूँ, झूठ मत बोलिए। एक मिनट गाइस, ये कद्दू कद्दू का बीच वाला खा गया। और वो ये जो है ना अभी आपको दिखा रही थी वो ही खा रही थी। रेसा झूठी झूठी, चल झूठी झूठी। क्या कर रही है रेसा सफाई गार्डन में? अच्छी बात है। ने ये भी कहा था कि बच्चों से काम करवा। तुम बच्ची हो? ये तुम्हें क्या बुड्ढी दिख रही है? और इसमें से केला का पेड़ मेरा कौन सा है रेशम? ये वाला। और ये राजा का, और ये शुभम का, तो रेशम का नहीं है। और रेशम ने सब्जी में पानी पटाया, मैंने सब्जी में पानी पटाने के लिए कल से पानी चलाया, जिससे मेरा तो एक्सरसाइज वैसे भी हो गया। कल से पानी चलाकर मैं दे रही थी, रेशम सब्जी पानी पटा रही थी, और ये हमारा सब्जी लगा हुआ है, देख सकते हैं। झींगा भिंडी, झींगा है, भिंडी है, साग है, बैंगन है, पालक है, सारे चीज लगे हुए हैं। थकने दे हो? देखो पसीना 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 तो वैसे भी अच्छा होता है। सही से गुदार चल रही है तुम्हारी? देखो सिर्फ मट्टी ऊपर आ रहा है। तो जंगली तो मुझे उखाड़नी है। मट्टी को मत निकालो, सब्जी दिखाते हम। रेशम पानी कौन चला कर दिया था? मैं। झूठी कहीं की। ये है साग, ये क्या सी अलग से एक पौधा लगा है, सीम का है। और झींगा भिंडी क्या? अच्छा बीन्स का है। कद्दू, कद्दू में कीड़े लगे हैं। और इधर लगा पड़ा है झींगा, देख सकते हैं झींगा लगा हुआ है। लहसुन हमारा जो है ना तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। आपको नहीं दिख रहा होगा शायद लहसुन, ये रहा, दिखा दिखा। इतने छोटे से लहसुन हुए हैं। अच्छा वो कचरा जमा के देने के लिए, तो कचरे वाले भैया आएंगे तो ये सारा कचरा उन्हीं को गाड़ी में, उन्हीं के गाड़ी में डाला जाएगा। रेशा हम गुलाब का पेड़ के नीचे थोड़ा सा खुरपी लगा देना, और फिर गुलाब और एलोवेरा में डाला जाएगा। इधर मेहंदी का पेड़ मैं दिखाती हूँ, ये मेहंदी का पेड़ है लगा हुआ है, इसको हटा कर रेशा हम इस साइड लगा लेना। क्या? और ये हमारा पूरा चल रही है काम, मेरा कुकर में
कुकर में मैंने क्या चढ़ाया था? लौकी। लौकी, लौकी की सब्जी चढ़ी हुई है। आई होप कि वो बन गई होगी, मैं देख कर आती हूँ। मैं आ चुकी हूँ किचन और मेरा लौकी में सीटी ही लग रहा है, सीटी लग रहा है। तो ये सीटी कंप्लीट होने देते हैं तब अच्छे से पक जाएगा। और इधर मेरा अभी टाइम 8:30 बज रहे होंगे, तब तक मेरा इधर सारा काम हो गया, बस मैं स्नान वगैरह करूँगी। ये महिषासुर अभी तक सोया हुआ है, सो सकते, कितना सोता है जब। बस सोते रहो, रात को मोबाइल और दिन में सोना।